मेरा नाम हिमांशु राज है और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नीट का एग्जाम तो बहुत ही पहले ही हो चुका था 17 जुलाई को, तो आप जानना चाहते होंगे मेरा नीट का नंबर, ठीक। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं एक ड्रॉपर था और मैंने 2021 में भी एग्ज़ाम दिया था और 2022 में भी एग्ज़ाम दिया था। तो अगर मैं 2021 की बात करूँ तो ये था मेरा नीट का पेपर और मेरा जो 2021 में जो नंबर आया था वो मैं बता देता हूँ। तो मैं 2021 का जो मार्क्स था वो आपका था फिजिक्स में 106, केमिस्ट्री में 122 और बायोलॉजी में मेरा था 300 मार्क्स। 300 मार्क्स था। तो मैं जो टोटल मार्क्स था नीट 2021 में जो था वो था मेरा 528 था। 528 मार्क्स मेरा टोटल था नीट 2021 में। अगर मैं बात करूँ नीट 2022 का मार्क्स का तो मैं बताता हूँ। तो ये था मेरा नीट 2022 का पेपर और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक मैंने केमिस्ट्री में किया है और इसके कारण मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा तो आ नहीं रहा है। फिर भी मैं मार्क्स फिजिक्स का नंबर की बात करूँ तो मैं फिजिक्स में 170 आ रहा है और केमिस्ट्री में मेरा 140 नंबर आ रहा है और मैं बायो में मेरा करीब 325 नंबर आ रहा है। तो टोटल एस वैसे 635 आ रहा है पर मे बी अभी तो आंसर की आया नहीं है ऑफिशियल, तो मे बी प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो मान के चलिए कि 630 मार्क्स आएगा। तो कैसे मैंने नीट का प्रिपरेशन की और कैसे मैंने नीट के लिए मैंने कौन कौन सा बुक पढ़ा और मैंने कैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ा, मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए और मैंने कितने घंटे पढ़ा नीट के लिए, या मैंने कौन सा बुक को फॉलो किया, या मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया नीट के एग्जामिनेशन के लिए, और मैं हमने बोर्ड का और नीट का एग्जामिनेशन को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे एक ड्रॉपर नीट को क्रैक कर सकता है, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है तो उससे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में किसे चूज करें और कैसे पढ़ सकते हैं, और किसी भी नीट प्रिपरेशन में कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करें, अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग को फैमिली क्या हम लोग को रोल प्ले कर सकता है हमारे नीट के प्रिपरेशन में, या हम लोग कौन कौन सा मिस्टेक कर सकते हैं नीट के में जब नीट हम लोग 12 के साथ दे रहे होते हैं तब, और हम लोग सोशल मीडिया को कैसे हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम लोग यूज करना चाहिए उसको भी हम लोग बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नोट्स जब बनाते हैं, जब हम लोग किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो नोट्स बनाते हैं उसको कैसे बनाना है और शॉर्ट नोट्स क्या होता है और उससे कैसे बनाया जा सकता है, सारे चीज का मैंने बात नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बात करूंगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।